आज मैं अफलातून की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने पैन ली हूँ और धीमी आंच रखी हूँ। यहाँ पर मैंने आधा कप घी ली हूँ, देसी घी है, आधा कप है, मेजरमेंट से ली हूँ मैंने, ये बड़ा कप है। थोड़ा गर्म होने देंगे इसको, घी गर्म हो चुका है। मैं यहाँ पर एक कप सूजी ली हूँ, बारीक सूजी ली हूँ, इसमें ऐड करेंगे और इसको धीमे आंच पे इसको अच्छे से भून लेना है लगातार चलाते हुए। सूजी का कलर गोल्डन फ्राई होने तक हम इसको भून लेंगे, धीमी आंच रखनी है एकदम, लगातार उसको चलाते रहेंगे। देख सकते हैं आप इसका कलर चेंज हो चुका है, 15 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए। लगातार मैंने इसे भून ली और इसको और 5 मिनट तक भूनेंगे इसको। देख सकते हैं आप अच्छे से हो चुका है। मैं इसके अंदर शक्कर ऐड करूँगी। यहाँ पर मैंने जितना रवा ली थी उतना ही आधा कप मैंने शक्कर ली हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ साथ इसमें दूध की पाउडर भी मैंने इसमें 2 पैकेट ऐड किए हैं एवरीडे के, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके अच्छे से भून लेना है इसको। एक कप मैं दूध ऐड करूंगी, अच्छे से इसको भून लेना है लगातार चलाते हुए, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मुझे रिक्वेस्ट थी अफलातून की, मुंबई की फेमस मिठाई है ये, तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। अच्छा सा सूखा होने तक इसको, ड्राई होने तक इसको अच्छे से सूखा ये करके लेंगे। साथ साथ इसके मैं मावा भी ऐड करूँगी। यहाँ पर मैंने आधा कप मावा ली हूँ, एक कप से मैंने मेजरमेंट की हूँ। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, इसको कलर और इसका आ जाएगा, लगातार इसको चलाते रहेंगे। साथ साथ में इसमें ड्राई फ्रूट है, इसमें ये पिस्ता, इसमें बादाम है और चारुली भी है, इसमें मैं थोड़े से ऐड करूँगी। और साथ साथ इसके थोड़े से मगज भी ऐड करेंगे, थोड़े से गार्निश के लिए रखेंगे। इसमें मैं थोड़े से किशमिश भी ऐड करूँगी, थोड़े से गार्निश के लिए रखेंगे। और अच्छे से लगातार चलाते हुए इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। माशाल्लाह कितना अच्छे से कलर आ चुका है इसका, और इसको लगातार चलाते हुए भून लेना है इसको। घी छूटने तक इसको भूनेंगे हम। इसमें इलायची पाउडर ऐड करती हूँ, 1/4 टीस्पून मैंने इलायची पाउडर ली हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जायफल ली हूँ, थोड़ा सा किसके डालूँगी, इसमें अच्छा फ्लेवर आता है इसका। और अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको। माशाल्लाह देख सकते हैं आप कितना अच्छे से कलर आ चुका है। इसको मैंने लगातार चलाते हुए भून ली हूँ, अच्छे से भून ली हूँ इसको। देख सकते हैं आप इस तेल, अभी इसको घी इसका छूटने को आया है, घी इसका निकल रहा है, ये हो चुका है। हम इसका गैस बंद कर देंगे। मैंने ये गोंद ली हूँ फ्राई करके, ये इसमें अच्छे लगते हैं। मैं इसमें इसे चूर के हाथ के मदद से, या तो आप हमन दस्ती के मुसल से ऐसा तो चूर के इसे डाल सकते हैं, या हाथ से भी ऐसे, इसमें अच्छा फ्लेवर आता है।
और अच्छा लगता है इसमें, और एक कमर के लिए भी बहुत अच्छा होता है, तो आप इसमें ज़रूर ऐड कीजिए कि आप रक्षाबंधन के मौके पे आप ऐसा बना सकते हैं। मैं अच्छे से मिक्स करती हूँ इसको, एक बार मिक्स करके इसको, और मैंने केक का मोड लिया हूँ इसमें, वैसे ही घी उसका ही निकल के इसको अच्छे से लगाएंगे, अच्छे से इसमें इसको निकाल लेंगे। ये है, ये ऊपर से ये सूख जाएगा, इसके अंदर अब्सॉर्ब कर लेगा। मैं यहाँ पर बादाम ऊपर से कटे हुए ऐड करूँगी, ये तरबूजे के बीज है वो भी मैं इस पर से, ये मैं इसको भून के रखती हूँ, ख़राब नहीं होते। साथ साथ मैं किशमिश भी इस पर ऐड करूँगी, आप चाहे तो प्लेट में भी निकाल सकते हैं इसको, इससे ही प्रेस करेंगे। अच्छे से ठंडा हो चुका है, मैं इसको कट करके लूँगी। देख सकते हैं माशाल्लाह कितना अच्छे से पीस आए हैं इसके। मैं इसको प्लेट में निकालती हूँ, और वीडियो देखते हैं तो लाइक करो, अच्छा लगता है आपकी लाइक आती है तो। यहाँ पर मैं प्लास्टिक की थैली ली हूँ, इसको सब पैक करेंगे इसको ऐसा अच्छे से। देख सकते हैं माशाल्लाह पर मैंने यहाँ पर ऐसा दूसरा भी ऐसे ही बनाएंगे। सब एक साइड से डालना है, इसको ऐसा करके देख सकते हैं माशाल्लाह अच्छे से मैंने बनाई हूँ। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, दुआओं में याद रखना, कमेंट करना। अल्लाह हाफिज़।